रूस का दावा है कि उसने दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इस वैक्सीन का नाम एपीवैक कोरोना है, जिसमें ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा जो पहली वैक्सीन में था। ये दावा रूस ने किया है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पुतनिक वी नाम से कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने की घोषणा की थी। हालांकि इस वैक्सीन के कई साइड इफेक्ट्स को लेकर रूस की कड़ी आलोचना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि कोई भी कोरोना वायरस वैक्सीन साल 2021 के पहले नहीं आ सकती। रूस एपीवैक वैक्सीन का निर्माण साइबेरिया में सोवियत संघ के एक पूर्व टॉप सीक्रेट बायोलॉजिकल हथियारों के प्लांट में कर रही है। वैज्ञानिकों ने बताया कि रूस की इस नई कोरोना वायरस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सितंबर में पूरा होगा, लेकिन जिन 57 लोगों को यह वैक्सीन दी गई थी उन्हें साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सभी वॉलंटियर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इन लोगों को 23 दिनों तक हॉस्पिटल में रखा गया था ताकि उनका परीक्षण किया जा सके। समाचार एजेंसी इंटरफैक्ट ने बताया कि अभी वॉलंटियर्स अच्छा महसूस कर रहे हैं, कोई भी दुष्प्रभाव अभी तक नहीं मिला है। वॉलंटियर्स को 14 से 21 दिनों के अंदर दो बार इस नई वैक्सीन की खुराक दी गई। रूस को ये आशा है कि इसे अक्टूबर तक रजिस्टर किया जा सकेगा और नवंबर में उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस वैक्सीन को वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ने तैयार किया है।